अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, कल मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया कि किस तरह से अपने प्रिंटर में प्रिंट करना है वायरलेसली अपने मोबाइल के थ्रू वाईफाई डायरेक्ट के ज़रिए। लेकिन दोस्तों, वह वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि मेरे प्रिंटर में वाईफाई डायरेक्ट नहीं है लेकिन सिर्फ वाईफाई है, तो कैसे हमें प्रिंट करना है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर आपके प्रिंटर में सिर्फ वाईफाई है तो आपको प्रिंट करने के लिए आपके पास एक राउटर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक राउटर है, वाईफाई के कनेक्शन है, तो उस वाईफाई कनेक्शन से अपने प्रिंटर को कनेक्ट करके और उसी वाईफाई कनेक्शन से अपने फोन को कनेक्ट करके आप फिर उसी चीज से प्रिंट कर पाएंगे, जैसा हमने कल किया था। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास देखो राउटर भी नहीं है, सिर्फ प्रिंटर है, कोई वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, तो मैं कैसे अपने फोन से वायरलेसली कनेक्ट करूं और कैसे अपने फोन से प्रिंट करूं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आखिर प्रिंट करना अगर आपके पास राउटर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अपने प्रिंटर को ऑन कर लीजिए। उसके बाद आपको एक चीज चाहिए, वो क्या चाहिए? तो आपको एक एक्स्ट्रा फोन चाहिए। इस फोन से तो मैं प्रिंट करने वाला हूं दोस्तों, लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा फोन चाहिए। ये एक्स्ट्रा फोन किस लिए चाहिए? तो मुझे टीथरिंग ऑन करने के लिए एक वाईफाई का राउटर बनाने के लिए चाहिए। इस फोन को एज अ राउटर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस फोन में हम लोग हॉटस्पॉट को ऑन कर देंगे। यहां से मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। इस फोन का नाम दिया हूं आईफोन 6S। अब हमें क्या करना है दोस्तों? तो अब हमें यह करना है कि आपके जो फ़ोन है, आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन लोड होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा प्रिंटर है एप्सन का, तो आपका एप्सन का एप्लीकेशन, चाहे एप्सन आई प्रिंट हो, या फिर अगर आपका प्रिंटर है एचपी का तो एचपी ई प्रिंट, वो वाली एप्लीकेशन जो है डाउनलोडेड होनी चाहिए। तो प्ले स्टोर पर जाएँ और डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपको अपने फ़ोन की वाईफाई यहाँ से खोलनी है और वाईफाई खोलनी है दोस्तों, और इस फ़ोन के जो हॉटस्पॉट बनाए हमने उससे कनेक्ट कर लेना है। अभी आप देखेंगे कि मेरे राउटर के इससे हुआ है तो iPhone 6s है, आप देख सकते हैं यहाँ पे iPhone 6s। तो मैं यहाँ पे iPhone 6s से कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे ऑब्टेनिंग IP एड्रेस करेगी और उसके कुछ देर बाद कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अपने प्रिंटर को भी उसी वाईफाई से जो है कनेक्ट कर लेना है। तो वो कैसे करना है दोस्तों? तो यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर हमें जाएंगे वाईफाई का ऑप्शन में। यहाँ पर हमें पूछेगी वाईफाई, अगर आपके में वाईफाई डायरेक्ट है तो वाईफाई डायरेक्ट का भी ऑप्शन पूछेगी, लेकिन वाईफाई डायरेक्ट नहीं है तो वाईफाई में जाए। यहाँ पे रिकमेंडेड है वाईफाई। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद वाईफाई सेटअप विजार्ड पूछेगी, तो आपको वाईफाई सेटअप विजार्ड में जाना है। उसके बाद सर्चिंग SSID करेगी और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखा देगी, जो जो वाईफाई के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आईफोन 6s, यहाँ पे आईफोन 6s में जाएंगे और उसके बाद ओके पे टैप कर देंगे। ओके पे टैप करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग अप करने लगेगी और कुछ देर सेटिंग होने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगी। इधर हम देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो आईफोन 6s वाईफाई से कनेक्टेड हो गई है। अब हमें इस फ़ोन को जो है बैक कर देना है। हम अपने प्रिंटर में अपने पेज लगा लेंगे, पेज लगा करके रेडी रहेंगे जब तक कि इधर ये कनेक्ट हो रही है। दोस्तों, थोड़ा सा वक्त लगेगा कनेक्ट होने में, लेकिन इस फ़ोन के थ्रू दोस्तों, एक सिंपल से फ़ोन के थ्रू हम लोग वाईफाई हॉटस्पॉट बना करके, क्रिएट करके आसानी से हम लोग अपने प्रिंटर से प्रिंट कर पाएंगे सिर्फ एक एप्लीकेशन के द्वारा वायरलेसली। और इसके लिए हमें किसी राउटर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि राउटर का काम हमारा यह फोन कर रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दिखा दी एप्सन, यानी कि यह कनेक्ट हो गई। अब यहाँ पे हम लोग पूछ रहा है कि क्या आप रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो अगर आपको रिपोर्ट को प्रिंट करना है तो यस, नहीं करना है तो नो। यहाँ पे हो गई ये नो की बटन, ये हो गई यस की बटन। तो हम लोग यहाँ पे नो कर देते हैं, मुझे प्रिंट नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको मिल जाती है वाईफाई का सिग्नल, यानी कि हमारा जो फोन है वो वाईफाई से कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? तो अब हमें डायरेक्टली प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए एप्सन का वो जो प्रिंटिंग वाला ऐप है उसे हम लोग खोलेंगे, या फिर एचपी का है तो एचपी का प्रिंटिंग ऐप खोलेंगे और यहाँ पे टैप करेंगे। ब्लू कलर का यहाँ पे होगा, जहाँ भी कनेक्शन का चीज़ दिया होगा उस पर टैप करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये कनेक्ट करने को पूछेगी, प्रिंटर पे टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकल में दिखा देगी, आपको किसी IP एड्रेस दे देगी। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा सही से वाईफाई से तो यहाँ पे दिखा देगी, आपको बस इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करते ही दोस्तों यह जो आपका प्रिंटर है यह आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, तो ये वाईफाई डायरेक्ट से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर वाईफाई डायरेक्ट से कनेक्टेड होता तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम लिखती, ये आईफोन 6s लिख रही है, यानी कि यह वाईफाई से कनेक्टेड है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए सीधा जो भी चीज़, फोटो प्रिंट करना है तो फोटो में, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट में। तो मान लीजिए फोटो प्रिंट करना है तो फोटो में। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आपको ऑनलाइन प्रिंट करना है तो आपने जिस फ़ोन में वाईफाई ऑन किया है उस फ़ोन में इंटरनेट होना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इंटरनेट नहीं है, तो आप इसमें ऑनलाइन प्रिंट अभी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑफलाइन पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें इंटरनेट को ऑन कर देंगे तो फिर आप ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको ऑफलाइन कैसे प्रिंट करना है। तो फोटोज़ में जाएंगे, फोटोज़ में जाने के बाद आपको जो भी चीज़ प्रिंट करना है उसमें जाएंगे, वो चीज़ आप खोलेंगे दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन देगा, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रिंट का बटन देगा, आप यहाँ पर प्रिंट पर टैप कर देंगे। अगर रोटेट करना है तो उससे पहले रोटेट कर लीजिए, जिस तरह से भी रोटेट करना है देख सकते हैं रोटेट करने में उतना अच्छा नहीं आ रहा, तो मैं बस यहाँ पे अब प्रिंट कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रिपेयरिंग हुआ और इधर जो है प्रिंटिंग भी शुरू होने लगी और यहाँ पे पेज जो है खींचा गया और प्रिंटिंग जो है शुरू हो गई। तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्रिंट करना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। मैंने एक मोबाइल को राउटर के थ्रू यूज़ करके प्रिंट कर लिया और ये हमारी प्रिंट निकल गई, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने सेटअप नहीं किया जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा बड़ी निकल गई है। तो मैं बाद में समझा दूंगा कि आखिर सेटअप वगैरह कैसे करते हैं मोबाइल के थ्रू। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और मुझे आज आप लोग को बताना था कि बिना वाईफाई डायरेक्ट के, बिना वाईफाई राउटर के कैसे प्रिंट करना है अपने फ़ोन से वायरलेसली। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ पर लाइक्स एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।